हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लेक्सर के बारे में जानेंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। अ मल्टीप्लेक्सर इज अ लॉजिक सर्किट विच एक्सेप्ट मेनी इनपुट्स बट सेलेक्ट्स ओनली वन इनपुट टू बी पास्ड ऑन टू द आउटपुट। इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज अ डेटा सेलेक्टर सिंस इट सेलेक्ट्स ओनली वन ऑफ द इनपुट्स। द सेलेक्शन ऑफ द इनपुट टू बी पास्ड इज डन बाय अ सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स नॉन एज सेलेक्ट इनपुट्स, या फिर सेलेक्ट लाइन भी इसे कहते हैं। द वैल्यू ऑफ दीज सेलेक्ट इनपुट्स विल डिटरमाइन द इनपुट दैट इज टू बी पास्ड ऑन टू द आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नॉन एज मक्स। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि अलाउ करता है शेयरिंग ऑफ कॉमन आउटपुट लाइन बाय मोर देन वन इनपुट लाइन। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये इनपुट्स को सिलेक्ट करता है आउटपुट के तौर पर, लेकिन इनपुट को जब सिलेक्ट करता है तो वह सिलेक्ट किया जाता है इसके सिलेक्ट लाइन के द्वारा। तो अभी हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे कि कैसे सिलेक्ट करता है और क्या सिलेक्ट करेगा तो क्या आउटपुट आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लेक्सर को आप मक्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की। तो ब्लॉक डायग्राम हम लोग यहाँ बना रहे हैं जिससे कि हमारा ये जो किस तरीके से काम करता है ये हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग चार इनपुट यहाँ देखेंगे और इसके दो सिलेक्ट लाइन होंगे और एक आउटपुट होगा। इसे कहते हैं 4x1 का मल्टीप्लेक्सर, या फिर 4:1 भी कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। अभी हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हमारा एक मल्टीप्लेक्सर है जिसमें कि चार इनपुट लाइन्स हैं या फिर चार इनपुट हैं। तो इनपुट को हम लोग नाम दे देते हैं I0, I1, I2 और I3। ये हमारा सेलेक्ट लाइन है। यहाँ सेलेक्ट लाइन ये S0 और ये हमारा S1। ये हमारा क्या है? सेलेक्ट लाइन है। और यहाँ आउटपुट के लिए हम लोग इसको O लिख देते हैं। तो ये जो इनपुट है, ये इनपुट आउटपुट के तौर पर आपको मिलेगा इस सेलेक्ट लाइन के द्वारा, जो भी सिलेक्ट किया जाएगा वह। यहाँ आप देखें कि ये एक कॉमन आउटपुट लाइन है जो कि शेयर किया जाएगा इन सभी इनपुट लाइन के द्वारा। इस कॉन्सेप्ट में दो तीन क्वेश्चन आते हैं बच्चों के मन में कि आप जब ब्लॉक डायग्राम इसका बनाते हैं, मान लीजिए कि 4x1 का है, क्वेश्चन में 2x1 का आता है, 8x1 का आता है, 16x1 का आता है, 32x1 का आता है। तो उस वक्त 32x1 है तो वो तो पता चलता है कि 32 इनपुट्स देने हैं और हमेशा मल्टीप्लेक्सर में हमेशा एक ही आउटपुट होगा, तो वो 1 हमेशा ये जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 1 ही यहाँ आपको मिलेगा। चीज़ें यहाँ बदलती हैं, 2, 4, 16, 32। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ जो भी हो, जैसे यहाँ 4 है तो हम लोग इसको 4 इनपुट देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम होती है कि इसमें कितने सेलेक्ट लाइन्स होंगे, यानी कि 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है तो इसमें 2 सेलेक्ट लाइन है। अगर ये 8 का मल्टीप्लेक्सर हो, यानी कि 8x1 का मल्टीप्लेक्सर, तो सेलेक्ट लाइन कितने होंगे ये कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ हम लोगों ने कैसे डिटरमाइन किया है ये हम लोग देख लेते हैं। मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बट मैं आपको सिंपली एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे कि आप इसको आसानी से पता लगा पाएंगे। तो यहाँ n होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट। तो n इक्वल टू द पावर s, s का मतलब सेलेक्ट लाइन। तो आप यहाँ देखेंगे कि यह नंबर ऑफ इनपुट कितना है आपका, 4 है। 4 को इक्वल टू, अब यहाँ s की जगह में कितना लिखेंगे कि ये 4 आएगा, तो s की जगह हम लोग 2 लिखेंगे जिससे कि हमारा ये 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हम लोग कहेंगे कि s इक्वल कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 2 सेलेक्ट लाइन हमारे होंगे। उसी तरीके से अगर आपका जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें इनपुट की संख्या अगर n इक्वल आपका 8 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 8 है तो इसमें हम लोग जब लगाएंगे इस फॉर्मूला को, तो n इक्वल टू 2^s होगा, और n कितना है आपका, 8 है, तो 8 इक्वल टू, अब इसकी जगह हम कितना लिखेंगे कि आपका ये 8 आएगा, तो हम लोग 3 लिखेंगे। इससे हम लोग ये कहेंगे कि s इक्वल कितना हो जाएगा, 3, यानी कि जब भी आपको 8x1 का मल्टीप्लेक्सर मिलेगा तो उसमें सेलेक्ट लाइन कितने होंगे, 3 होंगे। अब ये सेलेक्ट लाइन करते क्या है, ये सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा इनपुट आपका आउटपुट बनेगा। इस चीज़ को देखने के लिए कि किस तरीके से ये सेलेक्ट करता है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ट्रूथ टेबल की। तो ट्रूथ टेबल में सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं S0 और S1 की। जब S0
जीरो और एस वन जीरो। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज में यहाँ लिख लेता हूँ। पॉसिबिलिटीज लिखना हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखते हैं टू टाइम जीरो देन टू टाइम वन, वन टाइम जीरो देन वन टाइम वन, वन टाइम जीरो देन वन टाइम वन। ऐसा लिख लेने से क्या होता है कि हमारा ये आसान हो जाता है समझना कि हाँ ये इस तरीके से हमारा फिलअप हो गया। अब हमें सिर्फ करना ये है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इनपुट को आउटपुट बनाना है। तो आउटपुट क्या होगा, जब एस जीरो जीरो और एस वन जीरो यानी कि ये जीरो और ये जीरो होगा, तो कौन सा इनपुट सेलेक्ट किया जाएगा आउटपुट के लिए। तो जब एस जीरो जीरो एस वन जीरो रहे तो आउटपुट आपका होगा आई जीरो। फिर जब एस जीरो जीरो हो और एस वन वन हो तो उस केस में आपका आउटपुट होगा आई वन। फिर जब एस जीरो वन हो यानी कि यहाँ आपका वन हो और यहाँ आपका जीरो हो तो उस केस में आपका आउटपुट जो होगा वह आएगा यहाँ क्या आई टू। उसी तरीके से जब एस जीरो वन हो और एस वन भी वन हो तो आपका जो आउटपुट होगा वो होगा आई थ्री। ठीक है, तो ये आपका बन गया मल्टीप्लेक्सर 4x1 का ट्रूथ टेबल। ओके, तो समझ में आ गया कि किस तरीके से सिलेक्ट करता है। ये सिलेक्ट करता है जब एस जीरो और एस वन दोनों जीरो हो तो आपका आउटपुट कौन बनेगा, आपका आउटपुट बनेगा जो भी यहाँ होगा यानी कि आई जीरो आपका आउटपुट बनेगा। जब जीरो वन हो तो आपका आउटपुट बनेगा आई वन यानी कि ये वाला आपका आउटपुट बनेगा। जब वन जीरो हो तो आपका आउटपुट बनेगा आई टू यानी कि ये वाला आपका आउटपुट बनेगा। जब वन वन हो तो आपका आई थ्री यानी कि ये वाला आउटपुट बनेगा 4x1 के मल्टीप्लेक्सर में। इसको मतलब मल्टीप्लेक्सर को यहाँ देखेंगे कि मक्स भी कहा जाता है, तो कहीं कहीं मक्स लिखा हुआ रहता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, सो एक लास्ट स्टेप हमारा बचा हुआ, इसका लॉजिक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। लॉजिक डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी एक अनेबल होता है लेकिन मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है। अब चूंकि अनेबल है तो अनेबल भी जीरो या वन हो सकता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन यहाँ हम लोग उसको देखने के बजाय हम लोग उसको सर्किट में यानी कि लॉजिक डायग्राम में देख लेंगे और वहीं मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा कि अनेबल होने पर वो किस तरीके से वर्क करता है। सिंपली अगर अगर अनेबल की बात करें शॉर्ट में, जो हम लोगों ने डिकोडर में देखा था आई थिंक, तो वहाँ मैंने बताया था कि जब अनेबल आप देते हैं, मान लीजिए कि कोई अनेबल है ई, तो ई अगर जीरो है यानी कि अगर इस अनेबल को एक स्विच की तरह देखें, अगर स्विच अगर ऑफ है तो ये मल्टीप्लेक्सर जो काम नहीं करेगा जब ये जीरो रहेगा। यानी कि ई जब जीरो रहेगा तो चाहे कोई भी केस हो तो आपका आउटपुट आपको जीरो मिलेगा यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चेंजेस कब होती हैं, जब ई आपका अनेबल मतलब ई अनेबल जब वन होता है यानी कि स्विच जब आपका ऑन रहता है तब उस वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या एस वन और एस वन क्या सिलेक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ आउटपुट जो वो चेंज हो सकता है। तो उसको हम लोग लॉजिक डायग्राम में देखेंगे, सिंपली वो सिंपल सा है। लेकिन बात करते हैं अभी फिलहाल हम लोग लॉजिक डायग्राम के यानी कि 4x1 मक्स का हम लोग लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे। हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम बना लिया, ट्रूथ टेबल बना लिया, अब बात है लॉजिक डायग्राम बनाने की। तो इस ट्रूथ टेबल को आपको याद रखना है बिकॉज इस ट्रूथ टेबल से ही आपका पूरा जो है लॉजिक डायग्राम वो बनेगा। तो हमारा ये ट्रूथ टेबल है जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, मैंने यहाँ रखा हुआ है सामने में जिससे कि हमें दिखाई दे साफ साफ और हम लोग अच्छे तरीके से लॉजिक डायग्राम बना पाए। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि लॉजिक डायग्राम आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है और हर एक लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, मेरे जैसा स्टाइलिश लाइन नहीं बनाना है आपको जैसे कि मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो आई जीरो सबसे पहले क्या करना है, आई जीरो से एक लाइन लेना है इस तरीके से, देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और मैं आपको तरीके से बताता हूँ जिससे कि आपको ये पूरा याद रहेगा। ठीक है, ज़्यादा इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप चार इनपुट्स है तो चार इनपुट्स के लिए चार आप एंड गेट बना लीजिए। तो चार एंड गेट अच्छा सा खूबसूरत सा हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो ये हमारा पहला एंड गेट और ये दूसरा बनेगा, ये हमारा तीसरा बनेगा और ये हमारा बनेगा चौथा एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट कैसे बनता है आप सभी को पता है एंड गेट का मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो अच्छे तरीके से करना है, मेरे जैसा आपको नहीं करना है। ठीक है, सब बेहतर तरीके से बनाना है आपको एग्ज़ाम में। तो ये चार एंड गेट हमने बना लिया चार इनपुट्स के लिए। अब आपको करना ये है कि आई जीरो हमारा पहला इनपुट है तो इससे एक लाइन हमें यहाँ देना है। उसी तरीके से फिर हमें आई वन है तो आई वन से हमें यहाँ इससे एक
लाइन यहाँ देना है। उसके बाद आई टू हमारा एक इनपुट है, तो इससे हमें एक लाइन यहाँ देना है। सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया, इसको क्या करते हैं कि फिर से देते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है। देन आई थ्री हमारा एक लास्ट इनपुट है, तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी सेलेक्ट लाइन्स की। तो जो हम जो लोगों ने सेलेक्ट लाइन बनाया था वो सेलेक्ट लाइन हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो सेलेक्ट लाइन है S0 और S1, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपको S0 और S1 बनाना है, तो हम लोग बनाते हैं S0 और ये हमारा है S1। अब आप ध्यान देंगे कि S0 या S1 0 भी है और 1 भी है। 0 का मतलब आपको एक नॉट गेट की आवश्यकता पड़ने वाली है, सो आप एक नॉट गेट यहाँ बना लेंगे। तो चलिए हम लोग ये एक नॉट गेट हम लोगों ने बना लिया। और यहाँ से S1 का भी आपको ज़रूरत पड़ने वाला है नॉट गेट का, तो यहाँ इसके लिए भी एक नॉट गेट हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको आपको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे कहाँ, इस टेबल में। इतना सारा काम करने के बाद आपको इस टेबल में ध्यान देना है। सबसे पहले इसको अगर लेकर चलें तो S0 0 और S1 0 होगा, तब ये आउटपुट आएगा क्या, I0। और हमारा I0 कहाँ है, I0 का गेट हमारा यहाँ है। तो आपको दोनों 0 यानी कि दोनों नॉट गेट से आपको लेकर चलना है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं इसका जो है लाइन स्ट्रेट कैसे करूँ, तो चलिए देखते हैं ट्राई करके। ये हमारा आ गया यहाँ से I0 इनपुट के लिए। उसके बाद इसमें भी आपको इसको लेकर जाना है और यहाँ से इस तरीके से पास कर देना है। तो ये आपका एक आउटपुट बनाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद दूसरे कंडीशन को देखें तो इसमें क्या है कि ये S0 जो है वो 0 होना चाहिए और S1 1 होना चाहिए, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, I1। तो I1 का जो एंड गेट है हमारा यहाँ है, यानी कि हमें यहाँ कनेक्ट करना है। तो S0 में हमें क्या कनेक्ट करना है, S0 में हमें कनेक्ट करना है 0। तो 0 यानी कि ये नॉट के बाद से हमें कनेक्ट करना है। तो नॉट के बाद से हमें हमारा यहाँ है, तो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें S1 जो है वो 1 में चाहिए, तो S1 1 में चाहिए, तो आपको यहाँ से एक कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा लाइन। तो चलिए एक लाइन लेकर चलते हैं यहाँ से S1। देखिए ये यहाँ 1 है, लेकिन इस नॉट गेट के बाद ये यहाँ 0 हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़ें आपको लोगों को सबको पता होंगी। ये लाइन से जो स्ट्रेट होनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे जैसा लाइन आपको नहीं बनाना है। आपको देखिए क्या क्या हो रहा है, आपको लाइंस जो है वो स्ट्रेट बनानी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है मेरे लिए। ओके, सो ये हो आपका कंप्लीट हो गया और आपका ये आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसको देखते हैं I2 को। I2 जो है यहाँ आपको मिल रहा है क्या, मतलब क्या इसमें सेलेक्ट लाइन क्या क्या है, 1 और 0 है, यानी कि S0 में आपका 1 है। तो S0 को सबसे पहले हम लोग दे देते हैं, ये हमारा S0 है, सॉरी I2 में देना है, मैं ज़्यादा आगे बढ़ गया, I2 में देना है। तो I2 हमारा यही है, तो इसमें हम लोग दे देते हैं 1। S0 का हमने 1 दे दिया, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, S0 का 1 दे दिया और S1 का हमें 0 देना है। तो S1 का 0 जो है हमारा यही है, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन दे देते हैं, तो इससे हमारा एक आउटपुट मिल जाता है। देन इस लास्ट वाले को करें तो S0 में भी 1 है और S1 में भी 1 है। तो S0 में सबसे पहले एक 1 ले लेते हैं, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये S0 का 1 ले लिया हम लोगों ने, उसके बाद यहीं से हमें S1 का भी 1 मिल जा रहा है। ओके, सो ये हमारा आउटपुट आ गया क्या, I3। ओके, उसके बाद इन सभी को आपको एक और गेट से पास कर देना है। ये हमारा एक और गेट से ये पास हो रहा है, ठीक है, ये हमारा एक और गेट से पास हो गया और यहाँ आपको मिल जाएगा फाइनली क्या, आपका ओ, आपका जो आउटपुट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये है इसका लॉजिक डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर कौन सा मल्टीप्लेक्सर है, ये मल्टीप्लेक्सर है 4x1 का या फिर 4:1 का मल्टीप्लेक्सर है। अब इसी में अगर अनेबल की बात करें, अगर अनेबल होता अगर यहाँ, ठीक है, अनेबल होता तो उस केस में सिर्फ आपको करना ये है कि यहाँ से एक एंड गेट लगाना है। इस तरीके से आप एंड गेट लगाइए और इसमें से आपको एक ई यानी कि अनेबल लगाना है। जब भी ये अनेबल 0 होगा तो आपका आउटपुट आएगा 0, कुछ भी नहीं।
और जब 1 होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट मिलेगा। ओके सो बस यही है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि इस चीज़ को आपको दिखाना नहीं है एग्ज़ाम में, जब तक कहा ना जाए अनेबल के लिए, तब तक आप बस इस और गेट को बनाकर और छोड़ देंगे। ओके सो यही है लॉजिक डायग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।